उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र के अंतर्गत चौकी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के धीमरी निवासी एक परिवार के सदस्य की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार के मुखिया रईस अहमद के अनुसार उनके घर के सामने कुछ दबंग किस्म के लड़के बदतमीजी आए दिन करते रहते हैं, जिसका उसने विरोध किया कि इस तरह की बात मेरे मकान के सामने नहीं करा करें। इसको लेकर दबंगों ने अपने साथियों की मदद से परिवार के सदस्य की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाना मंझोला पुलिस को सूचना दी और घायलों को मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने पत्रकारों को बताते हुए कहा कि वे पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हैं और दबंग लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, पांच लड़के कारखाने में काम करते हैं और आए दिन दबंगी दिखाते हैं, गाली के बकरे निकलते हैं। इस पर मैंने टोका के गाली के बकरे को, कभी बोले तू क्या करेगा, हाथापाई हुई उसमें, वो चारों को बुला लाया, फिर धारदार हथियार से मेरे ये यहाँ पे चूर मारी है और दबंगी दिखाते हैं आए दिन, इनसे कोई नहीं बोलता। उसका चाचा कामिल है, कामिल बदमाश टाइप का आदमी है। वो लड़के क्या क्या नाम है उनके? उनका छिद्दा के लड़के हैं, उनका नाम नहीं पता क्योंकि हम उनसे वास्ते ही नहीं रखते हैं। अब क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ साहब इंसाफ हो। किस किस की चोट लगी, क्या मामला? ये दबंगी इस क्षेत्र से हमारे ख़त्म हो और इंसाफ हो हमारे साथ। किस किस की चोट लगी? मेरे बच्चों की भी चोट लगी है, जब मुझे उन्होंने पीटा, मेरी आवाज़ निकली तो मेरी वाइफ निकल कर के आई, उसके भी उसने अद्धा मारा, मेरे भी अद्धा मारा। वाइफ का क्या नाम? मेरी वाइफ का नाम गुलाफर है और मेरे बच्चों को भी मारा। मेरा 5 साल का बेटा है घर पे, उसके भी टांग में चोट लगी है। ये कौन है आपके? ये लड़के हैं मेरे। क्या हुआ था, क्या मामला था? इनने कहा लड़का को छेड़छाड़ी कर रहे थे, इन्होंने मना करा तो वो इनसे चारों भैया इनसे निपट रहे, तो मैं बचाव चला तो मेरी साइड पर सब फाड़ कर महाराज। अब पुलिस से क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए हमें, सजा मिलनी चाहिए।